हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको देखिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो मुजफ्फरपुर में है, तो उसने मेड एंट्रेंस सेशन 24-26 के लिए ऑनलाइन इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था। तो अब इसके रिजल्ट के लिए सभी लोग परेशान हैं। देखिए, एक चीज़ बताते हैं कि 20 अक्टूबर के इसका एग्ज़ाम हुआ था और आज 26 है, 6 दिन तो हुआ ही अभी। लेकिन पिछले बार जो था सेशन 23-25 का 7 घंटा में ही रिजल्ट को जारी कर दिया गया था। अब देखिए कि लिखा है एमएड प्रवेश परीक्षा के 7 घंटे बाद ही रिजल्ट जारी कर दिया गया था। लेकिन इस बार आपका 6 दिन बीत गया है, 6 दिन, लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया है। तो देखिए, आपका कम से कम नवंबर के फर्स्ट वीक में जारी कर दिया जाएगा, समझ गए। मेन सबको चिंता है तुर्की कॉलेज का कट ऑफ कितना जाएगा। तो देखिए, इस बार 500 के लगभग में स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए। देखिए, पिछले बार जो एग्ज़ाम दिए थे वो दिए थे आपको 275 स्टूडेंट ही एग्ज़ाम दिए थे, समझे। लेकिन इस बार आपका 500 के लगभग में दिए हैं। पिछले बार से क्वेश्चन भी, इस बार का थोड़ा क्वेश्चन हार्ड था। तो इस बार का जो तुर्की कॉलेज का जनरल कट ऑफ वाइज 75 से 80 के बीच में आपका रहेगा, समझे, 75 के, और इससे थोड़ा कम आपका कैटेगरी वाइज जाएगा कट ऑफ। तो रिजल्ट आपका नवंबर के फर्स्ट वीक तक आएगा। और तुर्की कॉलेज का थोड़ा कट ऑफ हाई जाता है क्योंकि सरकारी है, सबको तुर्की कॉलेज ही चाहिए। तो दो प्राइवेट भी कॉलेज है, तो तुर्की का वही 75 के लगभग में आपका कट ऑफ रहेगा जनरल का। फिर धीरे धीरे कैटेगरी वाइज कट ऑफ कमता है और SC ST का और कमेगा, फिर आपका OBC का है, EBC का है, तो जनरल के बाद आपका EWS का होगा। फिर EWS से भी ज़्यादा कभी कभी BC का कटअप चला जाता है, तो जनरल के बराबर ही BC का कटअप रहेगा, उससे 2-3 नंबर कम रहेगा। पिछले साल से कटअप आपका कम जाएगा क्योंकि पिछले बार से आपका जो क्वेश्चन है हार्ड आया हुआ था। आप वीडियो भी डाले हुए हैं, उससे आप आंसर की मिला सकते हैं कि कितना आ रहा है मेरा। तो पिछले बार तो 7 घंटा में रिजल्ट जारी किया गया था, लेकिन इस बार आपका टाइम थोड़ा लगेगा। तो नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, फिर एडमिशन प्रक्रिया होगा। तो जिनका भी 60 से ऊपर आ रहा है तो लोग रखिए कि हो जाएगा, उससे कम वाले भी जो कैटेगरी में आते होंगे संभावना है, हो सके, समझे। तो नवंबर फर्स्ट वीक में आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा, जो भी लोग वेट कर रहे हैं उनका आ जाएगा। उसके बाद आप लोग जो भी कॉलेज मिले उसमें एडमिशन करवाइए, फिर उसके बाद आप लोग का जो है वो एडमिशन होगा, फिर क्लास वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। थैंक